इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक, ठीक है, एक्चुअली केवल दो ही टॉपिक बाकी है। पहला टॉपिक है फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब ये वो समस्या जहां पे, ठीक है, जैसे आर का वैल्यू मैंने सपोज तुम्हें दिया dx by x to the power 4 minus whole square। मैंने कभी try नहीं किया है, ठीक है, partial fraction x square plus 1 से हो सकता है, थोड़ा सा कर सकते हो, और substitution से मैंने कभी try नहीं किया है, पर मैं एक दूसरा method सिखाना चाह रहा हूँ। मैं इसमें uv लगाऊंगा, तो इसमें तो एक single function है, तो हमें v को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। v कैसे बनाया जाता है ये देखो, मुझे मालूम है कि अगर मैं कभी भी 1 by f x को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ये माइनस f dash x डिवाइडेड बाय f x मिलेगा। क्वेश्चन में केवल ये f स्क्वायर x दिया रहता है, f dash x ऑप्शन रहता है, मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dy dx 1 by x to the power 4 minus 1 को, तो ये minus 4x by x to the power 4 minus 1 का whole square होगा। सर फायदा फायदा ये कि dy dx अगर इस साइड आ जाता है तो 1 by x to the power 4 minus 1 जो होता है वो integration of minus 4x by x to the power 4 minus 1 whole square df का इंटीग्रेशन होता है, मतलब 1 by इंटीग्रेशन v dx जैसा काम करेगा। तो इस पर्टिकुलर समय इसे v मैं अभी नहीं ले सकता हूं, v मेरे लिए ये है, तो ये इसको मैं यहां इंट्रोड्यूस कर देता हूं, माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x to the power 4 minus 1 का होल स्क्वायर, मगर क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया है इसीलिए मैं 1 by minus 4x cube dx लिख लेता हूं। दो मिनट, तो क्या फायदा, समझ में आया, ठीक है, तो क्या इसे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, थोड़ा सजा के लिख देता हूं, माइनस 1 बाय 4 को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1 बाय x क्यूब और क्या, माइनस 4 x क्यूब बाय क्या, x टू पर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, और अब फॉर्मूला अगर लगाऊं तो माइनस 1 बाय 4 u को छोड़ो, मतलब 1 बाय x क्यूब v को इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन तो तुमने देखा ही क्या है, 1 बाय x टू पावर 4 माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन है, माइनस u को डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन में ये प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाय x टू पावर 4, और इस वाले को दोबारा इंटीग्रेट करो तो क्या हो गया, 1 बाय x टू पावर 4 माइनस 1 dx। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो अब मैं केवल इसी इंटीग्रेशन में इंटरेस्टेड हूं, अगर पा रहे हो ना ये क्या है, ये तो सिंपल है, क्यों, क्योंकि इससे x टू पावर 4 माइनस क्या लिख सकते हो, x टू पावर 4 माइनस 1 और नीचे क्या, x टू पावर 4 और इसे क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 1 और क्या, x स्क्वायर प्लस 1। तो ये लिखने से ये तुम्हारे पास dx ऑफ क्या हो जाएगा, पहली बार में तो तुम्हारे पास ये और ये कैंसिल होगा अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और क्या, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये कैंसिल होने से dx बाय कितना, x टू पावर 4। अब यहाँ पे दोबारा क्या कर सकते हो, दोबारा 1 बाय 2 ले लो, क्यों, फिर से इसे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस, अब अलग अलग कर दो आंसर आ जाएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ।
आगे चल रहा हूं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ये टर्म, ये किसके डिफरेंशिएशन में आएगा? डी बाय डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, चेन रूल लगेगा, अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, प्लस एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, क्या फायदा, कैंसिल। तो डी बाय डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का फायदा माइनस एक्स कॉस एक्स बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी बाय डी एक्स अगर इस साइड जाएगा तो वन बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये मेरे लिए इंटीग्रेशन वी का काम करेगा। आया समझ में? तो एब्सेंट क्या है, ये वाला जो येलो वाला टर्म है ये यहाँ पे नहीं है, देखो तुम्हें ये टर्म को इंट्रोड्यूस करना होगा आई में। पहले इस चीज को अच्छे से समझ जाओ, क्या इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। वन बाय एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो अब अगर मैं उसे किसे इंट्रोड्यूस करना है, आई का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, क्या लिख सकते हो तब, किसे इंट्रोड्यूस करना है, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स बाय कॉस एक्स, एक्स नीचे रह गया और ये डीएक्स, थोड़ा सजा के लिखता हूं, माइनस बाहर ले लेता हूं, एक्स सेक एक्स ले लेता हूं, ये यू का काम करेगा, कॉस एक्स जब ऊपर चला जाएगा तो, और ये माइनस एक्स कॉस एक्स बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ये वी का काम करेगा। तो चलो शुरू करो इंटीग्रेशन, माइनस यू को छोड़ो, वी को इंटीग्रेट करो, वी का इंटीग्रेशन वन बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स, मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, प्लस सेक एक्स इंटू वन बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स सेक एक्स वन बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, साइन कॉस में चेंज कर रहा हूं डायरेक्टली इस चीज को, तो क्या होगा, टेन के लिए ऊपर साइन आएगा तो ये एक्स साइन एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये कॉस एक्स, देख के अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, क्या ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या फायदा हुआ, अब ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म तो जानते ही हो क्या हुआ, ये एक्स सेक एक्स बाय क्या, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या था, टेन एक्स, तो खेला ही खत्म हो गया, नहीं क्या, किसी को लिखना है तो लिख लो, काफी लंबा सम था, ठीक है। और फिर से तुम्हारे ऊपर है, तुम यहाँ से लिखना पसंद करते हो या तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी पीडीएफ शीट भेज दिया है, पीडीएफ से लिखना पसंद करते हो, वो तुम्हारे ऊपर है।